कल तक केजरीवाल कांग्रेस के पीछे पड़े थे, गठबंधन कर लो नहीं तो दोनों हार जाएंगे, गठबंधन कर लो नहीं तो दिल्ली की सारी सीटें मोदी ले जाएंगे। और अब जब कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई तो केजरीवाल गठबंधन को लेकर 3-5 करने लगे और राहुल गांधी को अपना शर्तनामा थमा दिया, पहले हरियाणा और चंडीगढ़ में गठबंधन करो तब दिल्ली में, और लगे हाथ कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जोड़ने को भी कहा। इससे पहले केजरीवाल पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अनशन भी करना चाहते थे, लेकिन एयर स्ट्राइक होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। शीला दीक्षित केजरीवाल से गठबंधन के लिए जैसे तैसे मान तो गई हैं, लेकिन हुड्डा और अशोक तंवर हरियाणा में नाक पर गठबंधन की मक्खी तक नहीं बैठने देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस ने केजरीवाल को जगह दी तो कांग्रेस की बची खुची सियासी जमीन भी वो कब्जा लेंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर पहले ही केजरीवाल के साथ से इनकार कर चुके हैं, अब गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल भी पंजाब में गठबंधन नहीं करवा सकते। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी ने अगर गठबंधन थोपा तो प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए राहुल गांधी ने पीसी चाको से सिर्फ दिल्ली में गठबंधन की संभावनाएं तलाशने को कहा है। कांग्रेस के बड़े नेता 2 दिन से इसी मसले पर माथापच्ची कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने गठबंधन के लिए प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक भी की, लेकिन ऐन मौके पर केजरीवाल ने पच्छड़ फंसा दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ दिल्ली में समझौता नहीं होगा, साथ में हरियाणा की 3 सीटें जो दिल्ली से सटती हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल की भी मांग कर दी। कांग्रेस केजरीवाल को ये सीटें देगी तो आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कांग्रेस का समर्थन करेगी। केजरीवाल का गणित साफ है, इधर से दो और उधर से लो, मतलब गठबंधन का ये खेल आसानी से खत्म होने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।